जिला कोडरमा प्रखंड डोमचांच के अंतर्गत काराकूट गांव में पिछले 2006 से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। आज तक आंगनबाड़ी भवन अधूरा है, जिसके कारण आंगनबाड़ी के सेविका एवं सहायिका को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या हुआ? रेखा देवी। आप यहाँ की सेविका हैं? सहायिका। तो आपका यहाँ पे बिल्डिंग जो नहीं बना हुआ है, उससे आपको क्या दिक्कत होता है? कुछ बहुत गंदा हो जाता है, बच्चे सब लोग गंदा कर देते हैं, लेटरिंग कर देते हैं, सफा करना पड़ता है। हम लोग का जैसे एक बार 6 महीने का उसको भी आ गया पेमेंट और मेरा भी आ गया, तो हम लोग दोनों विचार करने की क्यों बैठ करके कर लिए, केवल ऐसा करो कि दोनों आप भी पैसा लगाए थोड़ा और हम भी लगा करके और दोनों हम लोग ये करवा देंगे, गेट लगवा देंगे ताकि हम लोग का सुरक्षित रहेगा। और ये जो नीचे जो प्लास्टर हुआ है अपना पैसा से, तो फिर इसका जो पैसा तो आया होगा ना बनाने के लिए? हाँ पैसा आ गया, पैसा आ गया, ठेकेदार को ठेका लेंगे, वो पैसा उठा लें। वो पैसा किस तरह से उठाया था? वो मेरी सास सहायिका का सास है और सहायिका का सास दोनों का नाम सचिव और अध्यक्ष में था, तो वही जो दूसरा जो ठेका लिया था वो उठवा लिए, ले जा कर के हम लोग अनपढ़ थे, अंगूठा छाप लगवा करके और पैसा उठवा लें। हाँ दादी, कितना बार गए थे आप उसके साथ पैसा निकालने के लिए? 3 बार। 3 बार कहाँ जाते थे पैसा निकालने? तिलैया। तो कितना पैसा निकाला था सो जानते हैं? हाँ हमें भी लगाने में हमने पढ़ा लिखा खा जा खा दो पूरा तखन हम नहीं जा रहे तो कानून बल घर गाँव के डॉक्टर उक्टर की बनेबो हम ऐसा करो ऐसा करो बोल फेल करो थे हमने जो कुछ बोल कितना उठलिया नहीं उठलिया बस पॉकेट में सागल थो चेंज कर थो। तो आप लोग कुछ बोलते नहीं थे जाते थे तो कि हम लोग नहीं जाएंगे, कितना पैसा उठाते पूछते नहीं थे कुछ? ना हम नहीं पूछ रही, ये सब जान फिर करके नमन दल रखते थे कि कते उठो ना उठो, खाली सब कहते कि नहीं नाम तो नहीं पड़ा ला और हमने तो नहीं के जाना, बस इतने जान लिया और कुछ नहीं जान। ये लोग केवल वही कि जा रहे पैसा निकालने के लिए आंगनबाड़ी का, तो वही हम लोग भेज देते थे कि काम हो रहा है तो जाओ, तो इस तरह से लोग से पैसा निकाल लिया। ऐसा सीधा रह गए थे, बोल कहीं खाता तो खुलवाए नहीं है लोग, वो खुद अपने खुलवाया है अपने पास। तो जैसे साथ में गए होंगे ना तब ना वो खुलवाया होगा? साथ में गए हैं लोग, जैसे काम शुरू में होते गया लास्ट में नहीं पैसा रोक दिया इस तरह। और कुछ पेंडिंग शुरू से भी किया रहता था, हम लोग इन लोग को भी बाधित करते कि नहीं जाना है पैसा निकालने के लिए, तो लास्ट में जो पैसा है ना पूरा पैसा लास्ट में ही निकाला और काम भी बंद कर दिया। 2006 में और अब तक मतलब कुछ नहीं बनाया? कुछ नहीं। तो आप लोग उनसे कुछ बात किए थे? हाँ बात करते हैं, बराबर जाते बात करते हैं, जब पूरा जिद्दी करने लगे पूरा रफ बोलते हैं कि नहीं बनवाएंगे इसी तरह से बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। हाँ डायरेक्ट बोलते हैं। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से नम्र अपील करती हूँ कि जिला कोडरमा के कल्याण पदाधिकारी अजीत निरल सांगा को 9470978368 पर कॉल कर दबाव बनाएं कि इस मामले को जांच करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि आंगनबाड़ी भवन पूर्ण हो और आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को समस्या का सामना ना करने पड़े। मैं विनती विश्वकर्मा, झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।